अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज हम बात करेंगे पंजाब की जो सी वेबसाइट है MTMIS के बारे में। इसमें इन्होंने एक और ऑप्शन इसमें इंक्लूड किया है जिसमें आप अपनी ई पे पंजाब की जो सी स्लिप बनाते हैं ट्रांसफ़र की गाड़ी की चलान पे करते हैं उसका स्टेटस जानने के लिए कि आपका कार्ड बायोमेट्रिक होने के बाद आपका जो सी पूरा जो सी फाइल की प्रोग्रेस है वो कहाँ तक पहुँची है कि आया आपका कार्ड जो सा है प्रिंटिंग में गया है या अभी पेंडिंग पे है क्या है। तो उसके लिए ई पे पंजाब का जो सा चलान बनाते हैं वो ये सामने शो हो रहा है। ये देखें इसमें ये जो सी एप्लीकेशन आईडी है ये यूज़ होगी। ये देख रहे हैं आप सामने। अब इनकी हम वेबसाइट पर जाते हैं तो फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ। जिस तरह ये इनकी एप्लीकेशन इनकी वेबसाइट आ गई। अब इसमें जो सा दूसरा ऑप्शन है एप्लीकेशन ट्रैकिंग का, इस पर आप क्लिक करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे जो सा हम ट्रांसफ़र ई पे पंजाब से जो सा चलान बनाया था उसकी यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी देंगे। ये जो सा है ये मैंने दे दिया। और यहाँ पे चेसिस नंबर गाड़ी का जिस तरह डॉक्यूमेंट पे या कॉपी पे लिखा होगा सेम उसी तरीके से आपने देना है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर आई एम नॉट रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है। अब ये बाइसिकल पर मैंने इसको वेरीफाई करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट कर देते हैं, इसको स्किप कर दिया मैंने इसको। अच्छा अब इसको फिर दोबारा से मैंने वो कर दिया था स्किप और ये बाइसिकल को मैंने उसे है ना टिक कर दिया और उसको वेरीफाई करवा दिया, ठीक है। ये वेरीफाई हो गया। अब ये मैं जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करूँगा ये देखें ये इस गाड़ी का नंबर और ये एप्लीकेशन कौन सी आपने दी है ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप के लिए दी हुई है, इन प्रोग्रेस पे है, ठीक है। और ये देखें इनकी बायोमेट्रिक अभी तक नहीं हुई तो ये पेंडिंग पे स्टेटस शो कर रहा है। जिसके नाम पे है इंजन नंबर गाड़ी का नाम और मॉडल वगैरह ये सब कुछ शो हो जाता है। जिस तरीके से सेम कॉपी पे होगा वही सब डेटा आपने यहाँ पे साफ पे लिखना है। और इससे पिछली वीडियो पे मैंने एक और वीडियो एक बनाई थी जिसमें आप स्मार्ट कार्ड को ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। उसमें कुछ दोस्तों ने पूछा था कि हम वहाँ पर नंबर वगैरह किस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे लिखेंगे जैसे नंबर कैसे लिखेंगे, ये इसकी वेबसाइट आपके सामने शो हो रही है। तो इसमें आप जिस तरह कॉपी के ऊपर गाड़ी का नंबर होता है वो सेम उसी तरीके से ही लिखेंगे और चेसिस नंबर भी उसी तरीके से ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये तरीका कार मैंने साथ आपको बता दिया है। इस तरीके से आप इधर से अपनी गाड़ी को स्मार्ट कार्ड का ऑनलाइन PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और जिस किसी को किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।